क्या आपको पता है गोल्डन टेंपल को सोने से कवर करने में 500 केजी गोल्ड का यूज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्डन टेंपल के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम जानेंगे इसके बारे में 7 अमेजिंग फैक्ट्स। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप ऐसी अनोखी बिल्डिंग्स के बारे में जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। गोल्डन टेंपल, जिसे हरिमंदिर साहिब भी बुलाया जाता है, अमृतसर पंजाब में है। इसे 1581 में फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाना शुरू करवाया था और इसे कंप्लीट होने में 8 साल लग गए थे, जिसे फिर 1830 में महाराजा रंजीत सिंह ने सोने से कवर करवा दिया, जिसके बाद गुरुद्वारे का नाम गोल्डन टेंपल पड़ गया। गुरुद्वारा एक तालाब के बीचों बीच मार्बल प्लेटफॉर्म के ऊपर है और तालाब के चारों तरफ पाथवे हैं, जिस तक आने के लिए 4 एंट्रीज हैं। कॉम्प्लेक्स के चारों बगल बिल्डिंग्स हैं, जिनमें क्लॉक टावर, कम्युनिटी ऑफिस, म्यूजियम, लंगर हॉल और साथ ही अकाल तख्त भी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम की बैठने की जगह है। चलिए जानते हैं गोल्डन टेंपल के बारे में 7 अमेजिंग फैक्ट्स। पहला, 1995 में गोल्डन टेंपल को रेनोवेट किया गया था, जिसमें 500 केजी 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी कीमत 130 करोड़ से भी ज्यादा थी। दूसरा, महाराजा रंजीत सिंह ने 1830 में जब पहली बार गुरुद्वारे को सोने से कवर करवाया था, तब उसमें 160 केजी गोल्ड का यूज हुआ था, जिसमें सोने की केवल 9 परतें चढ़ाई गई थी, जबकि 1995 में रेनोवेशन के वक्त गुरुद्वारे पर 24 परतें चढ़ाई गई हैं। तीसरा, गुरुद्वारे में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री किचन है, जिसमें डेली 50,000 लोगों के लिए खाना बनता है और किसी त्यौहार में यह संख्या 1,00,000 से भी ऊपर पहुंच जाती है। चौथा, गुरुद्वारे के तालाब का नाम अमृत सरोवर है। कहा जाता है सरोवर में हीलिंग पावर्स हैं, जिसमें श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं और साथ ही तालाब में दुनिया की कई अनोखी मछलियां भी हैं। पांचवा, कहा जाता है गोल्डन टेंपल के लिए लाहौर के एक मुस्लिम संत साई मीर मियां मोहम्मद के द्वारा डलवाई गई थी, जिसे सिख ट्रेडिशन के द्वारा सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने के संकेत के रूप में माना जाता है। छठा, गुरुद्वारे को शहर के हिसाब से निचले लेवल पर बनाया गया है, जिस कारण गुरुद्वारे की सीढ़ियां दूसरे मंदिरों के उलट ऊपर के बजाय अंदर नीचे की तरफ जाती हैं, जो इंसानियत को सबसे ऊपर और गुरु जी को मिलने से पहले लोगों के अंदर के ईगो को खत्म करने को दर्शाता है। सातवां, कॉम्प्लेक्स की चारों एंट्रीज दर्शाती हैं गुरुद्वारा सभी धर्मों और लोगों के लिए खुला है, जबकि तालाब के बीच गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए केवल एक ब्रिज का होना सबका अंतिम लक्ष्य एक है, ये दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स के रिलेटेड फैक्ट्स और उनके पीछे की स्टोरीज जान सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।